सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इशांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर आपकी जो सबसे पहली क्वेरी निकल के आती है वो है जॉब इनसिक्योरिटी के रिगार्डिंग। अभी तक आपको किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं मिल पाया, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और एक प्रकार से इनसिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन, इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज रहती है। तो एक्चुअली आपका जो सन माउंट है वहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन है। यहाँ देख सकते हैं ये सूर्य रेखा आपकी जा रही है, कंटिन्यू जा रही है और ये एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर बना रही है। तो देखिए, सूर्य जो है वो सबसे मेन कारक होता है सक्सेस का, जॉब का, सेटिस्फेक्शन का, पावर अथॉरिटी का एंड मनी का। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि आइलैंड का फॉर्मेशन है लेकिन उसके बावजूद सनलाइन रन कर रहा है और इसके जो सपोर्ट में है कुछ मल्टीपल्स लाइन भी आ रही है। यही रीज़न है कि ये अर्निंग के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं दे रहा है, लेकिन आइलैंड का फॉर्मेशन आपको किसी भी काम का क्रेडिट भी नहीं दे रहा है। आप जितना भी एफर्ट्स लगा लें, जितना भी मेहनत कर लें, रिजल्ट आपका या क्रेडिट आपका कोई और ही ले जाने वाला रहेगा। इसलिए उतना ज़्यादा तवज्जो, इज्जत, सम्मान या उतना रिवॉर्ड अवार्ड भी नहीं मिल पाता है कार्यों के प्रति, चाहे कितनी ईमानदारी आप जैसे जातक रख लें। दूसरा, ये करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी इस बिहाव पर भी देता है कि कलीग्स कहीं ना कहीं धोखा देने वाले निकलते हैं, मिस गाइड या मिस यूज़ करने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपके मुंह पे मीठे रहेंगे लेकिन पीठ पीछे ही होते छुरा खोपने वाले देखने को मिलते हैं। दूसरा रीज़न के अलावा तीसरी रीज़न यहाँ पर यह है कि चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ आप कर ले, सामने वाला कभी आपको तवज्जो या उतनी अहमियत अपने जीवन में नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये सैडनेस का भी आपके सबसे बड़े कारण बन रहा है। अच्छा, ये तो एक रीज़न है ही, दूसरा जो बिगेस्ट रीज़न है वो है यहाँ पर राहु की लाइन। राहु की लाइन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आपके काट करके जा रहा है और ये यहाँ पर काट करके जा रहा है। यहाँ एज काउंट करेंगे तो ये एज निकल के आएगा 38 अप्रॉक्स, और जब माइंड लाइन को ये काट रहा है तो ये एज निकलेगा 42-43 के मिड में, और तकरीबन 40 के उम्र से ही आपको मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरीज, एनजाइटी, डिप्रेशन, इवन टाइप ऑफ इश्यूज भी होने लग रहे हैं इस राहु के रेखा के कारण। और राहु ऐसी भ्रमित व्यक्ति का बुद्धि को करता ही है जिसके कारण दिक्कत परेशानी आ जाती है, अच्छे अच्छों को राहु हिला देता है। तो यहाँ पर जीवन में बेफिजूल की भागा दौड़ी और एक प्रकार से इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ऐसे कर तमाम तरह की चीज़ें 40 की उम्र के लमसम से आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। और 38 के एज में ये यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और मनी लॉस और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग में यहाँ पर मेजर इश्यूज़ को भी इंडिकेट कर रहा है। और जब माइंड लाइन को काट रहा है तब मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरीज को बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें रेमेडीज़ के द्वारा ठीक होंगी। तो जब तक आपका सन यहाँ पर ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको करियर के रिगार्डिंग अनस्टेबिलिटी रहने ही वाली है। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्टली आपके आते हैं फेट लाइन के ऊपर, यहाँ क्लियरली आपका फेट लाइन विजिबल है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है ये आगे चल के ओवरलैप किया है और फिर इसमें एक प्रकार का छोटा सा आप गैप देखेंगे। तो ये गैप अराउंड 43 से लेकर के 44 के मिड में देखने को मिल रहा है और फिर इसके बाद एक अनदर लाइन फिर फॉर्म्ड हुई है और फिर उसके बाद ये आगे कंटिन्यू होते हुए जुपिटर की तरफ झुक रही है। तो ये दर्शा रहा है कि आने वाले साल में कहीं ना कहीं जॉब चेंजेस, प्रमोशन, ग्रोथ या किसी न किसी प्रकार से अर्निंग सोर्स में चेंजेस के चांसेस देखने को मिलेंगे, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, इसको नेगेटिव नहीं मानते हैं। अगर ये लाइन नहीं होती फिर ये नेगेटिव होता कि करियर ही एंड होने वाला है, लेकिन इस प्रकार से ओवरलैप करना और जुपिटर की तरफ जाना यानी पावर, अथॉरिटी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने के योग आपके जीवन में बढ़ेगा। तो इसीलिए ये साइन बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात ये है कि भले ही सन माउंट पे आइलैंड जैसा फॉर्मेशन हमको देखने को मिला लेकिन आपके सन लाइन भी सपोर्ट में आ रहा है और इस सन लाइन के द्वारा एक प्योर जो है स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ पर आपका स्क्वायर का साइन देखने को मिला है, ये स्क्वायर का साइन। तो ये स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है और ये एज नॉर्मली होती है 45। तो 45 के एज के लमसम में प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, वेल्थ, ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। ग्रोथ मीन्स प्रमोशन, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सब मिलेगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तब तक सूर्य आपका रिस्पॉन्स अच्छा करने लग जाएगा।
और ये क्षेत्र आता है मंगल के अंदर, और मंगल कारक है भूमि का, इसलिए मल्टी प्रॉपर्टीज होने के चांसेस ये बनाएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको रिवॉर्ड अवार्ड मिलने के साथ साथ उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य के नीचे ये स्क्वायर का साइन बन रहा है। इसलिए टेंशन वाली अभी बात नहीं है, बस यहाँ पर यह है कि राहु थोड़ा भ्रमित कर रहा है, इसलिए मैं आपको राहु का सेपरेट और सूर्य का एक सेपरेट जो है रेमेडी सजेस्ट करूँगा, जिसको आपको बहुत सीरियसली और स्ट्रांगली जो है अपने लाइफ में बहुत सिंसियरली मैनर से उसको जो है करते रहना होगा, क्योंकि एक्चुअली ये रेमेडीज़ करने के बीच में भी बाधाएं आती हैं, ये अभी के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, जब किसी का सूर्य डिस्टर्ब हो या राहु का प्रबल प्रभाव हो या सैटर्न डिस्टर्ब हो, आपका सैटर्न डिस्टर्ब नहीं है तो ये पेंडिंग कर्मास को दर्शाता है, तो वो जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक व्यक्ति दिक्कत परेशानी कष्ट में ही या मानसिक तनाव में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये रेमेडीज़ में थोड़ा सा डिफिकल्टीज स्टार्टिंग में आती, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर इसके बाद आपकी क्वेरी है ब्रदर के साथ बिजनेस करने की, तो यहाँ पर देखें तो आपके मंगल के थ्रू सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है। दूसरी बात यह है कि आपका इंटरनल मार्स और आउटर मार्स दोनों पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में ब्रदर या घर परिवार में किसी भी मेल मेंबर के साथ बिजनेस करना ठीक रहता है। और यहाँ पर देखें तो जैसे ये फेट लाइन के अंदर चेंजेस भी हो रहा है, तो ये भी लाइन बहुत स्मूथली रन करने लग रहा है। तो अगर आप बिजनेस में उतरते हैं, क्योंकि आपके हथेली में जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। और जब मरकरी माउंट डेवलप्ड हो तो ये बिजनेस सेंस इवन व्यक्ति को बहुत अच्छा देता है, और इवन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, मल्टीटास्किंग नेचर देता है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर बिजनेस लक क्रिएट कर रहा है। इवन आपके हथेली में मरकरी लाइन का फॉर्मेशन है और माइंड लाइन के ऊपर से भी बायफोर्क टाइप ऑफ फॉर्मेशन बने हुए हैं, तो ये बिजनेस में अच्छे खासे डिसीजन लेने के योगों को भी बतलाता है। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन या कोई भी ट्रबल प्रॉब्लम किसी भी वे में आपके ब्रदर के साथ बिजनेस के दौरान नहीं शो हो रहा है। जीवन में जो भी आपके ट्रिमेंडस सक्सेस है, बिग सक्सेस है, वो सब के सब 45 के एज के लमसम में, ऐसे देखा जाए तो 43 के जस्ट बाद में ही है जैसे ये फेट लाइन चेंज हो रही है, लेकिन ऊपरी और कन्फर्मली यहाँ पर बात करें तो 45 के एज में बहुत बिगेस्ट सक्सेस और कंटिन्यू सक्सेस आपको रहने वाला है, जिसके कारण आपका ओल्ड एज बहुत पीसफुल रहेगा। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आपका शनि रेखा में बायफोर्क के फॉर्मेशंस हैं, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आगे चल करके रेखाओं में बायफोर्क हो रही है। बायफोर्क होना सेटन पर बहुत भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को, ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देता है। आप अपने होम टाउन में ही अपना ओल्ड एज स्थापित करने वाले रहेंगे, और आपको सेवा भी दूसरे लोगों के द्वारा बहुत मिलेगा और कंफर्टेबिलिटी इवन बहुत रहेगा, और इवन समाज के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका इसी में से एक मजबूत रेखा जुपिटर की तरफ जा रहा है, जो और जब जुपिटर की तरफ भाग्य रेखा झुकती है तो ये व्यक्ति को सम्मान प्राप्ति योगों को दर्शाता है, और ऐसा जातक घर परिवार के लिए बहुत कुछ कर गुजरने वाला भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए बिल्कुल कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल है, और जो ग्रेट सक्सेस है वो 45 के एज से देखने के साथ साथ जीवन में तमाम तरह के जो बेनिफिट्स है या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग भी है वो भी इवन आपका जनरेट होने वाला यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, और सन रेमेडी ऑब्वियसली करिए, तो 43 के एज से ही ग्रोथ दिखेगा, लेकिन 45 के एज में यहाँ पर अभी कन्फर्मेशन दिया जा रहा है। जहाँ तक रिटायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि जब तक फेट लाइन चलती है तब तक व्यक्ति काम ही करते रहता है। ये अलग है कि जॉब करेगा या बिजनेस करेगा या सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, ये बात अलग हो जाती है, लेकिन जब तक सेटन लाइन है या फेट लाइन है तब तक व्यक्ति अर्निंग करते रहता है, इस बात की कन्फर्मेशन रहती है। तो ऐसा है कि रिटायरमेंट के एज के बाद भी आपको अपनी सर्विसेज किसी अनदर वे से देनी ही होगी, तो भगवान करे कि आप लगातार कर्म करते रहें, कभी बैठना ना पड़े आपको। तो इसीलिए सेफली रिटायरमेंट के ऐसे कोई भी इंडिकेशन प्रॉपरली है नहीं, अगर ये फेट लाइन कहीं भी रुकती तब जाकर प्रोमिनेंट कह सकते थे। यहाँ पर देखेंगे अपने सन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी हथेली में एक प्रकार से आइलैंड का फॉर्मेशन है, और आइलैंड का जो फॉर्मेशन होता है ये बेबी गर्ल को इंडिकेट करता है, और जो ओपन साइन होता है ये बेबी बॉय को डिनोट करता है। तो बेबी बॉय के चांसेस हैं, लेकिन इसका कन्फर्मेशन वाइफ का हैंड ही एनालाइज करके होता है।
दूसरी बात यह है कि आपको ओल्ड एज में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, जैसा कि यहाँ कंफर्म कर दिया गया है कि सैटर्न की स्थिति अच्छी है, तो सैटर्न है कर्म फलदाता, आपके कर्म अच्छे हैं इसीलिए आपको बुढ़ापा भी सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ये जितने भी टेंशन वरीज और इस प्रकार के जो प्रश्न आ रहे सब राहु रेखा के कारण आ रहे, और इतना वरीज लाइफ में 40 के एज के बाद आपको बढ़ा होगा। 38 के बाद, 38 में एक तो मेजर इवेंट हुआ, उसके जस्ट बाद 40 के बाद इतना टेंशन प्रेशर बढ़ा, तो इसीलिए 43 के बाद इतना आप चिंतित रहेंगे नहीं, एकदम बिंदास किस्म के इंसान हो जाएंगे आप। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रश्न है वो भी वैलिड है, उसका जवाब देना हमारा फर्ज है। तो यहाँ ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं शुक्र पर, ये लग्जरियस लाइफ का कारक होता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी इवन व्यक्ति को देने वाला रहता है। अपॉर्चुनिटीज़ कैसा? सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि जो यहाँ पर आपका शुक्र है वो आपकी ड्रीम डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा हो इट मीन्स कि व्यक्ति के लाइफ में उतने ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। तो यहाँ पर आपके ओल्ड एज में भी इवन दूसरों के द्वारा या एक प्रकार से अपने ही बच्चे के द्वारा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल भी अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि आपका बेबी बॉय के चांसेस कब हैं, क्योंकि उसके लिए दोनों पाम का मैचिंग करना पार्टनर का यानी इम्पोर्टेंट होता है। और इसीलिए कि आप जो है सेकंड चाइल्ड के लिए जाइए या ना जाइए वो सिर्फ दोनों पाम मैच करके देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे सक्सेस लाइन उसमें निकली हुई होती है। तब जब दोनों पाम में एक सर्टेन एज यहाँ पर इंडिकेट होता है तब जाकर कंफर्मेशन आता है। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि चाइल्ड जो अडॉप्ट करेंगे उससे कुछ इश्यू तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, जिस किसी का जुपिटर माउंट पे गुरु वाले का चिन्ह होता है ऐसे जातक 99% चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, मतलब ऐसे जातक 99% केसेस में जो है चाइल्ड अडॉप्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे जिनका गुरु वाले होता है इनका मैरिड लाइफ टिक नहीं पाता या किसी ना किसी कारण से फेलियर होता है, कोई भी रीज़न हो उसके पीछे, तो ऐसे जातक टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू भी जाते हैं क्योंकि चाइल्ड में भी इश्यूज आते हैं, अदरवाइज वो अडॉप्ट करते हैं। जिस किसी के हाथ में गुरु वाले नहीं हैं, मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि उनको चाइल्ड अडॉप्ट करने का योग बन ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है, तो इस विषय में बात करना ही किसी मतलब का नहीं है। अभी यहाँ पर देखें तो आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी व हड़बड़ी को थोड़ा इंडिकेट करता है। इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए हैं डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, पेशेंस लेवल थोड़ा कम होना और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क ना कर पाना बल्कि दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवाना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला रहेगा। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये यहाँ पर अच्छे खासे वर्क मैनेजमेंट को दर्शाता है। यही रीज़न है कि किसी भी काम में आप अपना 100% देने वाले रहेंगे, और अगर बिजनेस में चल गए तो फिर तो ऐसा है कि ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता है। अदरवाइज जॉब में भी रहें तो सूर्य रेमेडी करिए, तब जा करके जॉब के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन आपको या पीसफुलनेस हैप्पीनेस फील होगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के या खुद के दम पर काम करना, खुद के द्वारा इनिशिएटिव लेना, कुछ सिक्योरिटी पास में हो या ना हो, कोई भी नया काम शुरू कर देना, ये सभी योग तब बनते हैं जब सूर्य की स्थिति मजबूत हो हथेली में, तभी व्यक्ति के अंदर करेज और डिटर्मिनेशन आता है, जो आपके अंदर बखूबी है। इवन ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है, जिसको अगर आप निखारें, लोगों के सामने लाएं, तो नेम फेम के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ेगा। फर्स्ट फिंगर की जब लेंथ शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ईगो, एटीट्यूड, जलनशीलता, ईर्ष्या कोई ऐसे योग नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे का उन्नति देख के तो और ज़्यादा खुश होते हैं, अप्रिशिएट आगे से रह करके करते हैं। सेकंड पॉइंट, फैमिली से दूर रहने का योग बनता है, लेकिन क्या हो रहा है, लाइफ लाइन का फ्लो अंत में शुक्र की तरफ आ रहा है, तो वापस अपने होम टाउन या घर परिवार में जो है जाने के योग आपके हथेली में है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी भी किसी भी फैमिली मेम्बर से ना रखें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। और यहाँ पर देखें तो कोई भी ऐसा जुपिटर पर नेगेटिव साइन नहीं है या कोई भी ऐसे नेगेटिव साइन नहीं है जो दर्शाए कि आपको फैमिली के द्वारा नुकसान है, परंतु थोड़ा एक्सपेक्टेशन दूसरों से अगर कम रखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ देखें तो आपकी जो फिंगर है उसके ऊपर सीधी खड़ी रेखा अच्छी, आपके रिश्ते बहुत कम बिगड़ते हैं और बहुत लंबे रिश्ते नाते आप निभा जाते हैं, मित्रता बहुत बेहतरीन तरीके से निभाते हैं, तो जो भी आपके से जुड़ा रहेगा वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आप किसी के लिए किसी भी हद तक कर गुजर जाने वाले होते हैं। बहुत फ्रेंडली नेचर, फ्रेंकली अप्रोच यहाँ पर ये दर्शाता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ डेवलप नहीं है, यानी इतने प्रोमिनेंट पोजीशन में नहीं है, बीच बीच में रेखा भी है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजन ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष या गाइडेंस या सजेशन की आवश्यकता पड़ने के बाद डिसीजन लेते हैं।
फेलेंजस एंड इंटरनल मार्स, ये दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना सुनना पसंद करेंगे। शॉर्ट थंब वाले बहुत ज़्यादा मस्त मोला किस्म के व्यक्तित्व के होते हैं। वो तो राहु रेखा डिस्टर्ब कर गई, अदरवाइज इतना टेंशन वरीज तो लेते ही नहीं है लाइफ में। दूसरी बात यह है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों से भी दूर रहते हैं। काम से काम की बात रखेंगे, जितना मतलब है उतना रखेंगे। बेफिजूल की बातें, बेकार की बातें, किसी तीसरे की बातें करना पसंद ही नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दूसरे की बातें या हरकतें मन में घर नहीं कर पाती हैं आप जैसे जातकों की, इसलिए जल्दी मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाले भी देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा ये थंब होता है, लेकिन एक दिक्कत यही होता है कि अपने प्लानिंग पर अड़िग नहीं रह पाते, क्योंकि फ्लक्चुएशन माइंड में डिसीजन के द्वारा या इमोशंस फीलिंग्स के द्वारा होते रहता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग थंब के अंदर का दायरा है। इसीलिए प्लानिंग और डिसीजंस के अंदर बहुत इंस्टेंट चेंजेस भी समय सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। यव का साइन सिक्स्थ सेंस अच्छी देता है, कई मरतबा तो सपनों के माध्यम से भविष्य भी दिखाता है, और यहाँ देखें तो ये धार्मिक बनाएगा, धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान बढ़ेगा। पाम का जो साइज़ है वो आपकी लंबाई चौड़ाई में अच्छा जा रहा है, ये स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हुआ है, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। जो काम दे दिया जाए बहुत बेहतरीन ईमानदारी से पंचुअलिटी से करने वाले रहेंगे। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये हल्का सा स्क्वायर का यहाँ पर साइन क्रिएट होने लग रहा है, रेक्टेंगल का साइन, माफ़ करें, तो ये रेक्टेंगल का साइन जब प्रॉपरली बन जाएगा तब ये प्रॉपर्टी तो देगा ही, लाइफ में फैमिली के द्वारा हैप्पीनेस पीसफुलनेस भी देने के साथ साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत शौर्य आदि तमाम तरह की चीज़ें बढ़ाएगा, क्योंकि जो रेक्टेंगल ट्रेंगल स्क्वायर ये सब प्रोटेक्शन के साइन है, और जुपिटर पर ये हो तो घर परिवार की तरफ से सुख समृद्धि बढ़ता है। तो ये जो है, और पावर पोजीशन, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइफ में बढ़ती हैं, तो ये फॉर्मेशन ठीक है। कुछ सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे होंगे आप, तो ये आड़ी रेखा के अंतर्गत आती हैं, जो धार्मिक बनाता है, धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान बढ़ाता है। सिंपैथेटिक ये फॉर्मेशन हुआ, और जो मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन हुई, ये सिंपैथेटिक नेचर देता है। इस कंडीशन में दूसरों का दुख दर्द समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, ये देखने को मिलता है। सैटर्न की स्थिति बढ़िया है, सेटिस्फेक्शन लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। बीच में जो ये दो रेखाएं, ये अच्छे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉलेज के रिगार्डिंग यानी दूसरों को आप सजेशन या कंसल्टेंसी भी इवन दे पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके जस्ट मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी में एक दिक्कत यहाँ शो हो गई है कि ये माउंट वीक हो गया है, तो ये माउंट जब दब जाता है तो बातें मन में दबी रह जाती हैं, इतना खुल करके बोल नहीं पाते हैं। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि समय परिस्थिति बीत जाता है तब मन में अच्छे ख्याल आता है कि यार ये भी रिप्लाई दे देना था, ये बात रख देनी थी ऐसा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका भी रेमेडी आपको सजेस्ट कर दूंगा, कुछ नहीं करना है। बुध जो है रिप्रेजेंट करते हैं विष्णु जी को खासकर, तो विष्णु जी जो है साक्षात विराजमान है गाय माता के अंदर, गाय माता की सेवा करें। गौदान करना आज के टाइम में थोड़ा सा कॉस्टली जा रहा है, तो कम से कम जो है चारा खिलाएं या गौदान के नाम पे कुछ सेवा अपनी जो है गौशाला में दे सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो है लाभ कम्युनिकेशन में खासकर अच्छा देखने को फिर मिलता है, हाजिर जवाबी बढ़ती है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति, और जैसे नीचे की तरफ ये रेखा आ रही है, आप जैसे जातक माता पिता के सेवक होते, अपनों के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते सोचते हैं, और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी इवन ये देता है। मैं जो आपको मना कर रहा था कि दूसरों पर ट्रस्ट ना करें, कि उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे जा रही है, तो ये इमोशनल सेटबैक होने के योगों को दर्शाता है। जिस किसी पर ट्रस्ट करेंगे वही तोड़ेगा, इसीलिए ट्रस्ट करिए ही मत, एक्सपेक्टेशन रखिए मत, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वहीं जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कंजंक्ट है, तो आप दिल के साफ हैं, तो किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते, दुश्मन का भी भला चाहते हैं, ऐसा है आपका। ऑनेस्ट लॉयल्टी बहुत बढ़िया है, किसी का एक रुपये भी बचता है तो आगे से दे करके आने वाले इंसान हैं आप। यहाँ से एक दो रेखा मंगल की तरफ गई है, ये मांगलिक होने के योगों के साथ थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर देता है। हालांकि ये जो है इसका भी लिमिटेशन है कि यस ये 36 के एज तक एग्रेसिव बनाता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सट्रीम एग्रेशन होता है वो 27 के पहले तक होता है, बाकी बाद में जो है इसका असर डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग ये टेंशन देता है, रक्तचाप के रिगार्डिंग दिक्कत आ सकती है, इसलिए अभी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन इरिटेशन से दूर रहें। माइंड लाइन की स्थिति ऐसी है कि बहुत बढ़िया है, माइंड लाइन थोड़ा जैसे डिक्लाइन हुआ है तो हर बात के थोड़े जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होती है, और आज के समय में आप कहीं ना कहीं सोचने विचारने ज़्यादा लग गए, ओवरथिंक ज़्यादा हो रहा है आपका, कंट्रोल करिए उसके ऊपर, और रेमेडी करेंगे तो ऑब्वियसली कंट्रोल होगा ही। यहाँ एक चीज़ देखेंगे आप बहुत पॉजिटिव है, वो है माइंड लाइन के ऊपर से निकली मरकरी लाइन, ये बहुत शुभ होती है, ये दर्शाता है कि आप अपने खुद के डिसीजन एक्सपीरियंसेस
और लॉजिकल और एक प्रकार से एनालिटिकल वे से बिजनेस में आएंगे और एकाएक जो है सक्सेस पाने वाले रहेंगे। यहाँ पर एज भी अगर निर्धारित मैं करूँ तो ये एज निकल के आता है आपका अराउंड 56, थोड़ा लेटर एज हो जाता है ये हालांकि, लेकिन डोंट वरी, इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 साल पहले का रहता है। तो यानी तकरीबन मान के चलिए कि यहाँ पर 49 समथिंग अराउंड एज से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट है और बेस्ट रिजल्ट 56 के एज तक आते आते देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये फॉर्मेशन बहुत शानदार है। इसके अलावा जैसे लाइफ लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बढ़िया जा रहा है, बायफोर्क हुआ है, ट्रैवलिंग अच्छी देगा। और यहाँ देखें तो कष्टों का अंबार तो बहुत पहले से आपके ऊपर आता चला है, हालांकि देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं है जितना 38 में शो हो रहा है बार बार। लेकिन यस, उस समय एक अच्छी बात ये निकल के आई कि सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी है इन सारी रेखाओं को गार्जियन एंजल लाइन के, तो और इनका सपोर्ट आपको मेजरली मिलना शुरू हुआ है उम्र 27 के आसपास से। तो 27 के आसपास से पार्टनर का, बाहरी दुनिया लोगों का या इवन किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलता आया है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कम्प्लीट होता हुआ यहाँ आपका दिख रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग लाइफ दे रहा है। 85-90 क्रॉस एज यहाँ पर डिनोट हो रहा है। तो जो मैं बात कर रहा था सपोर्टिव लाइन, तो ये प्रोटेक्शन लाइन होता है। जब जब जीवन में स्ट्रेस बर्डन प्रेशर किसी भी वे में आता है तो कोई ना कोई सपोर्ट में रहता है जो निकालता है दिक्कतों से। और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होती है वो भी दूसरों के सपोर्ट के द्वारा पूरा होता है। अंदरूनी मंगल और आपका जो बाहरी मंगल है वो दोनों विकसित यहाँ पर ठीक है। बाहरी मंगल की स्थिति क्या है कि थोड़ा सा दब गई है, तो आप जैसे जातक लड़ाई झगड़े बहसबाजी इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। हिम्मत है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं घर परिवार की चिंता या एक प्रकार से घर वालों को देखते हुए कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े इन सारी चीज़ों से दूर हट जाते हैं। और अच्छी बात भी है, ये बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है, कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं है। शुक्र की स्थिति बढ़िया है यहाँ पर, ऐसा शुक्र लग्जरियस लाइफ का कारक होता है और इसीलिए ये शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, रॉयल्टी मेंटेन करना। तो ऑब्वियसली ये एक से ज़्यादा गाड़ी और घर बार का सुख देगा, लेकिन ये है कि थोड़ा यहाँ आड़ी रेखा ज़्यादा है, आप ओवर थिंकिंग मत करिए। अदरवाइज़ ये शुक्र और ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो पीसफुलनेस और हैप्पीनेस ख़त्म ही कर देगा लाइफ से पूरा का पूरा, क्योंकि शुक्र कारक है मुंह माया भोग विलास एंटरटेनमेंट मौज मस्ती का। अब यहाँ जब आड़ी रेखा होती तो शुक्र का कहना में कि मुझे चिंता करके करना क्या, मेरा तो काम ही कुछ और है। तो ये समझने का प्रयत्न करें, इससे फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती है। वहीं केतु की स्थिति सामान्य है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं है। एक जो है यहाँ एक छोटा सा मुझे आइलैंड दिखा, इसको फिश शाइन मत समझिएगा, ये आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, ये पेंडिंग कर्मास के अंतर्गत आता है। मैंने अभी तक अपने जीवन में यहाँ पर आइलैंड जितने कोई हाथ में देखे हैं उन लोगों के जीवन में धार्मिक यात्राएं कहीं ना कहीं इतनी प्रॉपरली रह नहीं पाई है। धार्मिक यात्रा बनते बनते छूटता है। धार्मिक यात्रा करिए आप कहीं दूर की, वैष्णो देवी की या कहीं की भी दूर की करिए, और अपने फैमिली को भी हो सके तो लेकर के जाइए। वहाँ से जो है लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आना शुरू हो जाता है। या किसी भी प्रकार का जो भी धार्मिक यात्रा पेंडिंग है उसको कम्प्लीट करने से, या जिसकी प्लानिंग अधूरी रह गई है वो कम्प्लीट करने से फुलफिल होता है। वहीं बात करें चंद्र की, तो आपका चंद्र डिस्टर्ब ज़्यादा है। इसका जीता जागता प्रमाण है आपका लेफ्ट पाम। लेफ्ट पाम में यहाँ देखिए आप ये देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे को काट करके आगे बढ़ रही है। चंद्र है आपका मन, आपका मन स्थिर नहीं है, बहुत ज़्यादा विचलित है, मन में बेचैनी है, रेस्टलेसनेस बहुत एक्सट्रीम लेवल की। यही रीज़न है कि मल्टीटास्किंग नेचर होना, मन भटकना, अज्ञात भय डर चिंता सताते रहना, कई मरतबा तो प्रेत आत्मा इन सब का भी अनुभव आप जैसे जातक करते हुए पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर इस बात का कंफर्मेशन नहीं दूंगा कि आपको हुआ है या नहीं, पर यह सब भी होता है। जादू टोना टोटका ये सब भी जल्दी लगता है जब चंद्र की स्थिति नेगेटिव हो। मदर हेल्थ को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपको रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा राहु का, उसी में चंद्र का भी रेमेडी ऐड रहेगा, उसको करने से लाभ मिलेगा। लेफ्ट पाम में फेट लाइन की स्थिति कमज़ोर हुई है, लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे कर ये आगे बढ़ी है और एक राहु की तरफ से इमीडिएट एक लाइन आई गई है जो लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है, जिसका कन्फर्मेशन राइट हैंड में स्क्वायर का साइन है। वो प्रॉपर्टी अचानक से बनेगा आपका, अचानक से प्रोग्रेस के बाद। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।